विनेश फोगट का कहना है कि भारतीय खिलाड़ियों को तब तक पहचाना जाता है जब तक वे खेलते हैं, बाद में उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है और कुछ को मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फोगट ने कहा कि इस रवैये को बदलना चाहिए। उन्होंने शायद इसलिए कैंसिल किया है कि क्योंकि वो सब सबके सामने जो भी देंगे वो सबके सामने आएगा। अभी जितने बच्चों के अकाउंट में पैसे डाले हैं या जॉब का है, अगर वो सबके पब्लिकली सामने रखते तो सबके सामने वो न्यूज़ में बात जाती या मीडिया में बात जाती, तो इसलिए शायद उन्होंने चुपके से कि हम ऐसे कर देते हैं। पहले तो प्लान बनाया कि ऐसे करेंगे, और आई थिंक वो प्लान था ही नहीं उनका एग्जीक्यूट करने का। उनका एक मकसद ही नहीं था कि हम इसको सम्मान समारोह को करें, बस वो पेपर तक ही सीमित के रह गया और बोलने तक ही कि हाँ कि हम सम्मान समारोह रखेंगे, उसके बाद कि कैंसिल हो गया। ऐसे कोई चीज़, इतना बड़ा प्रोग्राम है, वो कैसे कैंसिल हो सकता है सिर्फ बोलने से ही? बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो, मैंने तो आज तक 5 सालों में, चाहे कोई कैडेट है, कोई जूनियर है या सीनियर है, मैं चाहे खुद की बात करूँ चाहे किसी और एथलीट की बात करूँ, मैंने तो आज तक किसी से नहीं सुना है कि उसे जॉब मिली है हरियाणा से या इस पद पे वो जॉब करते हैं। हम रेलवे में किस लिए गए थे? मैंने 2 साल तक हरियाणा में वेट किया था, उसके बाद मैंने रेलवे ज्वाइन किया था कि अभी अगर नहीं है, बाई चांस अगर मेरा रेसलिंग का कैरियर अगर खत्म हो जाए, जैसे मुझे रियो में इंजरी हो गया था, उससे पहले मैंने रेलवे ज्वाइन की थी, बाई चांस अगर मैं कम बैक नहीं कर पाती तो मैं अपनी ज़िंदगी कहाँ पे व्यस्त करूँ? आपने देखा होगा काफ़ी बार मीडिया में कि कोई इंटरनेशनल एथलीट है वो कहीं पे बाहर रेडी लगा के अपना गुजारा करें, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे सारे ऐसे हालात हों। और एज एथलीट हमें सोचना पड़ता है अपना रेसलिंग में कितने साल कर सकती हूँ, 5 साल 10 साल 20 साल। 20 साल तो ऑलरेडी मुझे हो गए, अभी मैं 10 साल और कर सकती हूँ, जितना मैं अपना पुश कर सकती हूँ अपने आप को करूँगी मैं रेसलिंग के लिए। उसके बाद की तो मैं लाइफ देखनी है, हमें भी तो खाना खाना है।